फ्रेंड्स, बंदा किचन आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिल्ली पनीर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पनीर बनाने के लिए मैंने पनीर लिया हुआ है जिसको काट कर रख लिया है, हरी प्याज ली हुई है जिसको काट कर रख लिया है, शिमला मिर्च ली हुई है जिसको मैंने मोटा काट कर रख लिया है, प्याज ली हुई है दो मैंने जिसको काट कर रख लिया है, अदरक का पेस्ट लिया हुआ है मैंने, लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है मैंने, ये मैंने लहसुन लिए हुए हैं जिनको छील कर बारीक काट कर रख लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है मैंने, नमक लिया हुआ है मैंने, मैदा ली हुई है मैंने, कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया हुआ है, ग्रीन चिली सॉस लिया हुआ है मैंने, रेड चिली सॉस लिया हुआ है, रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है मैंने, वाइट विनेगर लिया है और मैंने लिया हुआ है सोया सॉस। अब हम चिली पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पनीर को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो मैंने पनीर काट कर रखा हुआ है इसे एक बर्तन में निकाल लें। अब हमें इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करना है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मैदा, एक चम्मच मैं मैदा डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ये टॉप्स का मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया हुआ है, आप कोई सा भी कॉर्नफ्लोर पाउडर यूज कर सकते हैं। दो चम्मच यहाँ कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च और नमक, मैंने एक डिब्बी में पीस कर रखी हुई है, इसे अच्छे से मिक्स कर दें, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जब भी आप चिली पनीर बनाएं तो काली मिर्च और नमक इस तरह डाल दें, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसकी कोटिंग कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, ये घर की पिसी हुई लाल मिर्च है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका पेस्ट तैयार करना है। थोड़ा सा पानी और इसमें डाल दें और इसका एक घोल तैयार कर लें। इसकी हमें कोटिंग करना है पनीर के ऊपर, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैंने पनीर लिया हुआ है, इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट जो मैंने तैयार किया हुआ है, इसको पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था, इसे भी पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। इसकी हमें कोटिंग करना है पनीर के ऊपर। थोड़ा सा मैं मिर्ची का घोल और डाल रही हूँ, इसे भी पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। इस प्रोसेस से यदि आप चिली पनीर बनाएंगे तो आपका चिली पनीर बहुत टेस्टी बनेगा और बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा। अब मैंने एक पैन लिया हुआ है, इसको मैंने गर्म होने रख दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हमें यहाँ इतना लेना है कि इसमें पनीर को हम फ्राई कर सकें। अब रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें पनीर। पनीर को हमें फ्राई करना है, इसी तरह हम सारे पनीर डाल देंगे। दो तीन बार में हमारे पनीर कंप्लीट हो जाएंगे जिनको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह जो हमारा बाकी का पनीर बचा हुआ है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये सारे पनीर हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये पनीर हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है।
अब पैन में जो हमारा ऑयल है उसमें से आधी कटोरी करीब ऑयल हम निकाल देंगे, क्योंकि ऑयल हमारा ज़्यादा है। आधी कटोरी करीब ऑयल मैंने निकाल दिया कटोरी में। इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन के टुकड़े जो मैंने काट कर रखे हुए थे, इसको इसमें भून लें। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी लहसुन के साथ डालकर भून लें। थोड़ा सा मैंने इन्हें भून लिया है। साथ में मैं डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट, अदरक के पेस्ट को भी इसके साथ भून लें। इन सबको साथ में मैंने 2 मिनट के करीब भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। ये जो प्याज मैंने काट कर रखी हुई थी इसको पैन में डाल दें। साथ में मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च जो मैंने काट कर रखी हुई थी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैंने ली हुई काली मिर्च, काली मिर्च को अच्छे से कूट लें और इसमें डाल दें। काली मिर्च डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने काली मिर्च को कूट लिया है, इसमें से मिक्स कर दें। अब मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच मैंने मैदा लिया हुआ है, इसमें 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे पानी की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। इसका हमें पतला घोल तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें। इसका घोल मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। प्याज और शिमला मिर्च को भी मैंने भून लिया है, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सोया सॉस मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था, इसे भी इसमें डाल दें और जो शेष बचा रह गया है इसे पानी की सहायता से घोल कर डाल दें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, नमक मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो केचप, टोमेटो केचप मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं डाल रही हूँ मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल जो मैंने रेडी किया था, इसे इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। इससे चिली पनीर की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। साथ में ही मैं इसमें आधी कटोरी के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 2-3 मिनट के करीब हमें इसे पकाना है। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पनीर। पनीर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5-7 मिनट तक पकने दें। उसके बाद हम इसमें हरी प्याज डालेंगे। सात मिनट के करीब हो चुके हैं चिली पनीर को पकते हुए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी प्याज। हरी प्याज डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें।
5 मिनट के करीब हरी प्याज के साथ भी मैंने इसे पका लिया है और ये हमारी चिली पनीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में सर्व करेंगे। इसे एक बर्तन में भी मैंने सर्व कर लिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारे चिली पनीर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।